इन द केस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस जो यू नो सीजनल होता है, ऑफ कोर्स पीपल टेक आई ड्रॉप्स एंड क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं, बट इज देयर एनी नेचुरल वे ऑफ क्योरिंग इट? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कंजंक्टिवाइटिस में. इट्स नॉट अबाउट आई ड्रॉप्स की आई ड्रॉप्स डाल के ठीक हो गया. सबसे पहले हाइजीन और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइजीन कैसे है कि अगर हमको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम जो है अपने हाथ का यूज़ ना करें, बाबा हैंड ना लगाएं, ग्लासेस लगाएं. ग्लासेस इसलिए नहीं कि आपको किसी और को इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए लोग चश्मा लगा लेते हैं कि सामने वाले को इन्फेक्शन ना हो जाए. ग्लासेस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो एक बैरिकेड बन जाता है कि आप बार बार हाथ जो लगाते हैं तो चश्मा सामने आता है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है उससे. दूसरा ये है कि कुछ एंटीबायोटिक्स आते हैं जो हमें उस टाइम पर लेने चाहिए, एंड वी हैव टू सी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है. प्रॉब्लम क्या है, अगर पेशेंट को आज की डेट में मैं देखता हूँ कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधा मेडिकल स्टोर जाता है और मेडिकल स्टोर में जाके बोलता है भैया कंजक्टिवाइटिस हो रहा है या आँख आ गई, आपको भी ड्रॉप दे दो. तो हमें पता करना बहुत ज़रूरी है कि इन्फेक्शन किस वजह से है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभार हमें एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं. समटाइम्स जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो आपको स्टेरॉइड दे देते हैं, जो स्टेरॉइड की वजह से और हार्म हो जाता है और विजन लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं, स्पेशली इन छोटे बच्चों में जो कॉर्निया पे बहुत असर आता है, उनका कॉर्निया भी ख़राब हो सकता है. तो ऐसे टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट करें. आयुर्वेद से भी बहुत सारी जो ड्रॉप्स हैं जो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जिसमें कोई ऐसा एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स नहीं है, उसको लेने से एक तो ल्यूब्रिकेंट जो है वो बढ़ेगा और आपके जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा. जो त्रिफला की मैंने बात करी उसका बहुत अच्छा रोल है. त्रिफला के पानी से इन्फ्लेमेशन कम होता है तो आपकी रेडनेस कम होती है. और अब मैं बात करूं घर की, घर में अगर हमें कोई चीज़ लेनी है तो रोज़ वाटर का बहुत अच्छा रोल है क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट देता है आइज़ को, ठीक है. और आप ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हैं अपने आइज़ की. ये सब चीज़ें आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन आप ना लें जिससे आपकी आँख ख़राब हो.